आंदोलन के साथ पिछले 15-16 सालों से जुड़ा हूँ और संयोग संयोग की बात है कि मैं इसी कॉलेज से पढ़ के निकला हूँ तो फिर आज काफी सालों के बाद यहाँ पर इसी रूम में ऑडिटोरियम बोलने का मौका मिला है। बहरहाल जो पूरा अभी जो पूरी स्थिति है पूरे देश में जिस तरह का दलित आंदोलन बिल्कुल हास्य की स्थिति में है तो मुझे लगता है कि दलित साहित्य का बहुत बड़ा अग्रणी भूमिका है। उस भूमिका में मात्र सिर्फ मुझे लगता है कि सेमिनार रूम तक का सीमित होकर हमें सड़कों पर उतरने की जरूरत है। वो साहित्य सरकार तब होगा जब उसमें हम लोग गांव-गांव में उन व्यक्तियों को उन साथियों को जोड़े जो कि बिल्कुल दलित साहित्य से या दलित मुद्दों से बिल्कुल वंचित है। वो हम लोगों की बहुत बड़ी जिम्मेवारी बनती है क्योंकि मैं पूरे देश में जब जंगल जमीन के आंदोलनों के साथ जुड़ा हुआ और उनके लिए लड़ाई हम लोगों की जारी है और उस लड़ाई का हिस्सा बनाने के लिए मुझे लगता है कि दलित आंदोलनों का दलित आंदोलनों को मजबूत करने की भूमिका बहुत बड़ी होनी चाहिए। वो लोग हम लोगों को बिल्कुल अपनी तरफ से दिलो जहां से जोड़ने की जरूरत है। साहित्य मुझे नहीं लगता कि एक पत्रिका भी किसी दूर दराज के गांव में पहुंचती हो छोटी सी बिल्कुल जो थोड़े बहुत पढ़े लिखे हैं हम लोग थोड़े बहुत ही कमजोर कि हम लोगों की बहुत लड़ाई है और उस लड़ाई के लिए मुझे लगता है कि और अध्ययन करने की जरूरत है और इस चीज को जानने की जरूरत है कि वास्तविकता में जरूरत कहाँ है। हमें बिल्कुल शहरों से निकल के उन बस्तियों की तरफ जाना होगा कि हाल ही की मैं एक घटना बता रहा हूँ। दिल्ली में इतनी बड़ी कॉलोनी टूटी जो कि बिल्कुल स्लम्स है और 7 सालों से वहां पर पैदा हुआ उसमें ज्यादातर सरकार थे और ज्यादातर कठपुतली के जो कार्यक्रम करते हैं उसके संस्कृति उसके साथ जुड़े हुए उस संस्कृति के साथ जुड़े हुए वो रातों रात उन्होंने ढह दिया बुलडोजर उसमें चला। तो मुझे नहीं लगता कि हम लोगों का उसमें क्या भूमिका थी उस साहित्य के साथ उसका क्या कनेक्शन है वो जानने की जरूरत है उसको जोड़ने की जरूरत है उसमें हमारी क्या भूमिका होगी उसको समझने की जरूरत है। मुझे लगता है महिलाओं की उपस्थिति भी आज थोड़ी सी बढ़ी है पिछली बात से और महिलाओं का मुझे लगता है कि मंच में भी उपस्थिति और ज्यादा बढ़नी चाहिए क्योंकि किसी भी आंदोलन में ज्यादा सक्सेस तभी होती है जब महिलाओं की भूमिका आगे हो आगे स्तर पर वो ठीक है। वो आंदोलन बहुत सक्रिय रहेगा उसका एक बहुत बड़ा सहयोग पूरे समाज के लिए साथियों धन्यवाद दिल्ली समर्थक समूह की तरफ से मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए गर्व महसूस कर रहा हूँ इस लड़ाई को मैं जिंदाबाद।